हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास टेंथ का सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का करेंगे, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, राइट? तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में अपने को क्या पढ़ना है बेसिकली? हमारे आसपास जो है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल, ठीक है, जिसे आप ऑब्जर्व कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम केमिकल रिएक्शन सोचते हैं जो लैब्स में अपन कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में? एक तो सबसे पहले हमें करना है कि किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सिम्बलाइज फॉर्म में। हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन एवरी टाइम इन अ वेरी लॉन्ग फॉर्म, राइट? तो हमें इसके लिए क्या चाहिए कि सिंबल चाहिए हर एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम किसी रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रिएक्शन जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर रिएक्शन किसी ना किसी कैटेगरी में आता है, किसी ना किसी टाइप की कैटेगरी में आता है, तो वो टाइप्स देखेंगे। और उसके बाद चैप्टर की एंडिंग होगी रेंसिडिटी और कोरोजन के साथ। कोरोजन में नहीं करवाऊंगा, कोरोजन के लिए आप मेटल एंड नॉन मेटल देख लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल के लेक्चर में आपको कोरोजन का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और सेम एक्सप्लेनेशन विल बी वैलिड फॉर द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज वॉट? दैट एनी सब्सटेंस टेकन बिफोर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, राइट? क्या होगा? एनी सब्सटेंस टेकन बिफोर द रिएक्शन, जब तक रिएक्शन हुई ही नहीं तब तक जो सब्सटेंस था वो रिएक्टेंट था, ठीक। प्रोडक्ट क्या होता है? आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद द सब्सटेंस फॉर्म, वो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद, जिसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से एंटायरली डिफरेंट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? द आफ्टर रिएक्शन द सब्सटेंस फॉर्म which has property entirely different from what? Reactant। क्या कह रहा हूं मैं कि reactant होगा and after reaction product बनेगा, एंड प्रोडक्ट का जो क्या बोले प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल अलग होगी, एंटायरली डिफरेंट होगी रिएक्टेंट से, राइट? चलिए तो एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल आता है मेरे दिमाग में, रिएक्ट H2 एंड हाफ O2। ऑल दो इट इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, बट इट मे हैपन विद सम मेथड, ठीक है, वो आप बाद में पढ़ेंगे क्यों। लेकिन H2 और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दीजिए तो वाटर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन इज वॉट? हाईली फ्लेमेबल गैस, राइट? ऑक्सीजन वॉट? ऑक्सीजन हेल्प यू इन बर्निंग। नाउ हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल गैस, यू नो, एंड ऑक्सीजन विल हेल्प यू इन बर्निंग, बट द वॉटर हेयर फॉर्म विल वॉट? That will help to avoid the burning, right? So it will help to prevent the burning, right? तो पानी जो है वो आग को बुझाने के काम आता है, जबकि हाइड्रोजन तो फ्लेमेबल गैस है, तुरंत आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करता है, जबकि जो इससे बना प्रोडक्ट है वाटर वो आग बुझाने में मदद करता है। यानी वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एंटायरली डिफरेंट है एंड दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रोडक्ट है, ठीक, और ये क्या है? रिएक्टेंट, राइट? सो लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। आप लोगों ने 9th तक
फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पढ़ा होता है, आई थिंक 8 में ही पढ़ा देते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन का ही दूसरा नाम है। जब किसी सब्सटेंस में कुछ ऐसे चेंज हो जाएं जिसे आप किसी भी प्रकार से रिवर्स ना कर पाए, समझ रहे मेरी बात? जब किसी सब्सटेंस में कुछ इस तरीके का चेंज हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, और वो एक नया सब्सटेंस बना ले जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है ओरिजिनल सब्सटेंस से, तब हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज हो गया। जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी को जला दो, बर्निंग ऑफ पेपर, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ जाना, ठीक है। इसके अलावा कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं आप? कंबशन ऑफ एनीथिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, राइट, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड आप लोग पढ़ते हैं छोटी क्लास में कि खाना पकाना इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो ये सारी केमिकल चेंज है एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बिकॉज इट रिएक्ट केमिकली, वो केमिकली रिएक्ट कर गए हैं, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? When two or more substance, when two or more substances reacts to form product, जब दो या दो से ज्यादा substance मिलकर product बनाते हैं, ठीक है, which has and that product has entirely different property from the reactant, right, which have entirely different property from reactant, that is called chemical change. Example मैं कई दे सकता हूं, ठीक है। वैसे मुझे देना नहीं चाहिए, छोटे ग्लासेस का है। जैसे टर्निंग ब्राउन, ब्राउन ऑफ फ्रेशली कटेड एप्पल, राइट, फ्रेशली कटेड एप्पल, आप जानते कि जब एप्पल को कट करते हैं अपन तो, एंड अगर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, एक्सपोज कर दो एयर में, तो इट डेवलप अ ब्राउनिश लेयर ओवर इट्स सरफेस, राइट, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रस्ट, ठीक है। आप जानते हैं एप्पल में क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है, आयरन मौजूद होता है, और आयरन अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है तो क्या होगा? रस्ट लग जाएगी उसमें, और मॉइस्चर तो उसमें से पहले से ही होता है, तो रस्ट बहुत जल्दी लगता है, इसीलिए बहुत जल्दी ब्राउन लेयर चढ़ जाता है। नॉर्मली रस्ट लगने में समय लगता है, लेकिन एप्पल में रस्ट तुरंत लग जाता है क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल होता है और ऑक्सीजन तो मिल ही जाता है एनवायरनमेंट से, तो एप्पल पे रस्ट लग जाता है, एंड दैट रस्ट इज अ ब्राउन लेयर, राइट। कुकिंग ऑफ फूड, व्हेन यू कुक फूड यू कांट रिवर्स द रिएक्शन, यू कांट क्रिएट अ रॉ वेजिटेबल फ्रॉम द कुक्ड फूड, राइट, सो कुकिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, राइट। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल विच इज यूज टू कुक फूड एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेज टू प्रोड्यूस एनर्जी, लाइक आप क्या कह सकते हैं, केरोसिन जो हो गए, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, these all are what, fossil fuels, right, and also wax, wax क्या होता है, candle आपने देखा है, candle is a kind of wax, that is also, and these all are either fossil fuel or wax, these all are what, hydrocarbon, जो भी fossil fuel निकलते हैं ना बच्चों वो सारे hydrocarbon होते हैं, hydrocarbon का मतलब मैंने समझाया था, carbon, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट, सो ठीक है। इसके अलावा ठीक है, फर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स,
ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है, ठीक है, ये मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाया था आप लोगों को, वहाँ देख लेना, ठीक, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, और क्या कह सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं भूल रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हैं दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज जब आप सांस लेते हो क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करने से क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज अ केमिकल चेंज, राइट, सो ठीक है, दीज ऑल आर सम केमिकल चेंज, ठीक है, पर इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, अपन को केमिकल चेंज नहीं पढ़ने इस चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने, ठीक, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, एक सेकंड रुकना, दिख रहा है तुम लोगों को, देख लेना लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, तो सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जबकि रिएक्शन से पहले प्रेसिपिटेट नहीं था और रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट हो गया, तो पक्का केमिकल चेंज है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो केमिकल चेंज के बजाय केमिकल रिएक्शन कर लो, बेटर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन है NaCl के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, यहाँ जो AgCl है वो क्या है, एक वाइट PPT की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है, लैब में आप क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन रखते हैं, मतलब नमक को पानी में घोल देते हैं और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद आप देखेंगे तुरंत रिएक्शन हो जाएगा और वाइट PPT नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, एंड दिस विल इम्प्लाई दैट द केमिकल रिएक्शन विल बी, केमिकल रिएक्शन इज हैपन्ड, ठीक है, राइट, तो ऐसा है। सेकेंड, अच्छा और भी लिख दो एग्जाम्पल, जैसे प्रेसिपिटेशन का एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ए दे देते हैं, बी बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दीजिए सोडियम सल्फेट के साथ, यू विल गेट द बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, दिस बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट PPT, राइट, एंड दिस इज अगेन वाइट PPT, तो ठीक है, एक बेकर में आप BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लीजिए और सोडियम सल्फेट डाल लीजिए, आपके पास एक नीचे प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और आपको पता चलिए रिएक्शन हो गई है, दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे आपको पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए अब सेकंड पे आते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, नोट करो पहले, आई एम काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। नेक्स्ट क्राइटेरिया और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एक बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है कि अगर आप एसिड में किसी मेटल के पीस को डाल दो, ठीक है, एसिड में अगर किसी मेटल के पीस को डाल दो तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, ठीक है, और जैसे ये एसिड है आपका और इसमें आपने मेटल डाल दिया, सपोज जिंक डाल दिया, तो आपको पता है कि क्या बनेगा, ZnCl2 सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है,
ये रिएक्शन मैंने मेटल एंड नॉन मेटल में भी करवाई है, ये एसिड बेस सॉल्ट में भी करवाई है और इसमें भी करवा दी है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस कैसे डिटेक्ट होता है बच्चों? इट इज डिटेक्टेड बाय पॉप साउंड। जैसे होता क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट ट्यूब में आप क्या डाल दीजिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऊपर से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दीजिए, जिंक पीसेस डाल दो, छोटे छोटे पीसेस है जिंक के डाल दिए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन हुआ, ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद यहां पर ZnCl2 बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, और हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में तो रहेगा नहीं, ऊपर को आएगा, ठीक है, ऐसे। और यहां पर आप क्या करते हैं, एक मैचस्टिक ले जाते हैं, मैचस्टिक, ठीक है, तो आपको क्या साउंड सुनाई देता है, पॉप साउंड सुनाई देता है, एंड इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब आप करके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो वैसे घर पे ट्राई मत करना, ठीक है, लैब्स में ठीक रहता है क्योंकि वहाँ इक्विपमेंट होते हैं, यहाँ नहीं, घर पे मत कर लेना, ठीक है। तो जिंक को एसिड के साथ मिलाइए, जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड दिस हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्टेड विद द पॉप साउंड, विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड व्हेन यू यूज मैचस्टिक एंड व्हेन यू ठीक है व्हेन यू यूज मैचस्टिक ठीक है ओवर द टेस्ट ट्यूब यू विल गेट द पॉप साउंड विच विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ठीक है, और भी कोई रिएक्शन हो सकता है, जैसे कोई और मेटल ले लूँ मैं, आयरन ले लूँ, और मैंने रिएक्शन कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, राइट। सो दिस हाइड्रोजन गैस अगेन कैन बी डिटेक्टेड बाय द पॉप साउंड, सिंपल। नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन कलर। देखिए आयरन है, थोड़ा सा ग्रेइश होता है, ठीक, थोड़ा सा ग्रेइश होता है आयरन। अगर आप उसको, अभी रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में अगर आप उसे बाहर रख दो, एयर में रख दो, तो मॉइस्चर तो है ही एनवायरनमेंट में रेनी सीजन में, और ऑक्सीजन भी है ही है, तो क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है बच्चों, ब्राउन हो जाता है आयरन। और मैंने बताया भी था रस्ट बनाता है, कैसे बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये बात कोरोजन में करवाई है, लेक्चर देख लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है। और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इस चैप्टर में भी करवा दूंगा, क्योंकि जो बच्चे इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं, मतलब इनिशियली देखना शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन से, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेटल एंड नॉन मेटल पे सीधा जंप करना, तो मैं नोट मतलब करवा ही दूंगा यहाँ पे भी, ठीक है, कोरोजन वाला कॉन्सेप्ट, ताकि आपको पता चल जाए। पर अभी तो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि आयरन ग्रेइश से ब्राउन हो जाता है अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर का प्रेजेंस मिले, क्योंकि उस पर रस्ट लग जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है बताएंगे कभी आपको, चलिए आगे बढ़िए, हो गया। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज अनदर क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द केमिकल रिएक्शन इज हैपन टू यू और नॉट, राइट। सो कैसे करेंगे आप ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम,
क्विक लाइम, इसको पानी में मिलाइए तो आपका बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, साथ में हीट निकलती ट्रेमेंडस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट, स्लेक लाइम बोलते हैं इसको, स्लेक लाइम। कैसे बताऊं आपको, हाँ, क्विक लाइम मतलब चूना, चूना जब पानी में डालते हैं ना, सफ़ेदी होती है घर पे, वाइट वॉश करवाते हैं तो चूने को पानी में मिलाते हैं, तो उस दौरान चूना ठंडा होता है, पानी भी ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम बनता है, और स्लेक लाइम बनने पे ट्रेमेंडस हीट इवॉल्व होती है, फिर उसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर पुताई करते हैं घर में, ठीक है। तो ये चेंज उस दौरान क्या होता है, वेसल गर्म हो जाता है, एंड दैट विल शो यू दैट द केमिकल रिएक्शन इज हैपन, राइट। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, अच्छा एक चीज लिखो, केमिकल रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर दीजिए आप अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो आपका बनेगा बेरियम क्लोराइड, राइट, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये क्या है बच्चों, दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट, अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, and this is what, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस दौरान भी क्या होता है, बहुत ट्रेमेंडस हीट निकलती है, क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, तो ये भी है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इन दोनों ही केसेस में मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ी, ये रब कर दो, हाँ अब समझो, ये रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगा, हीट अब्जॉर्ब मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, आपको हीट देनी पड़ेगी, तब बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके BaCl2 बनाएगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, क्या होती है, एंडोथर्मिक। दो केस से समझाता हूँ मैं, दो बीकर रखे मैंने, एक बीकर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, या चलो छोड़ो, एक बीकर में मैंने पानी ले लिया, क्या ले लिया, वाटर, दो मिनट रुको बच्चों, मार्कर यूज करना है दूसरा, चलिए, हाँ, एक बीकर में अपन पानी रख रहे हैं H2O, और मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं यार सबके नीचे उनके नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप मेरे साउंड से समझ जाना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम है ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। चलिए, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को डाला पानी में, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा अंदर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, विच इज़ अ स्लेक लाइन, और साथ में बच्चों क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, राइट। तो इसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, और ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इन विच द हीट विल इवॉल्व, राइट। और ये जो वेसल है वो कैसा हो जाएगा, वेसल बिकम हॉट,
वेसल गर्म हो जाएगा, राइट। अब चलिए दूसरा बीकर जिसमें मैं, अब चलो इसमें हम लिख दें कि ये क्या है, बताइए, यहाँ लिख देते हैं। चलिए ये क्या है आपका, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब चलिए मैं सेकेंड वाला रिएक्शन करवाता हूँ। मैंने बच्चों यहाँ पर ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिख देते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक। ऊपर से मैंने डाल दिया अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं, आपको हीट देनी पड़ेगी, तो हीट देने के लिए आप नीचे से आग लगा दीजिए इसमें, ठीक है, नीचे से आप हीट करिए, गर्म करिए इसके, तब जाके रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद बनेगा क्या, BaCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हुआ क्या बच्चों कि इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ी, यानी इस रिएक्शन ने हीट अब्सॉर्ब किया है, राइट। तो हीट क्या हुआ है इसमें, अब्सॉर्ब हुआ है, और जिस भी रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होता है वो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट, देख लेना है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा रब कर रहा हूं मैं लेफ्ट साइड का, और इसमें एक चीज और ऑब्जर्व होगी कि टेम्परेचर ऑफ वेसल विल फॉल, इस रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वेसल विल बी फॉल, तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन ने क्या बोला कि द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ऐसे रिएक्शन अपने आप होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैरिड आउट बाय इट्सेल्फ या इनिशिएट बाय इट्सेल्फ, बेटर वर्ड, ये ऐसे टाइप के रिएक्शन अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, बस आपको रिएक्टेंट मिलाना है और अपने आप रिएक्शन होगा, इनिशिएट बाय इट्सेल्फ, राइट, ठीक। अच्छा ये, अच्छा नेक्स्ट जो है एक्सोथर्मिक में हमने क्या बोला, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब हीट इवॉल्व होती है ना तो डेल्टा एच नेगेटिव आता है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, और नेगेटिव मतलब रिएक्शन से हीट निकला है, हीट इवॉल्व हुआ है, हालांकि ये सब डेल्टा एच की वैल्यू आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक। और आपने क्या बोला कि टेम्परेचर ऑफ वेसल विल फॉल, टेम्परेचर ऑफ वेसल विल फॉल, वेसल का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, टेम्परेचर ऑफ वेसल विल राइज, बढ़ जाएगा, हीट इवॉल्व हो रहा है ना तो गर्म हो जाएगा, ठीक है, एंड वेसल बिकम हॉट, ये बातें हैं एक्सोथर्मिक के लिए। अब आ जाइए एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों क्या, द
इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसमें हीट देना पड़ जाए रिएक्शन कैरी आउट कराने के लिए, ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। दीज टाइप ऑफ रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन अपने आप नहीं होते, आपको करवाने पड़ते हैं वो भी हीट देके। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शन डज नॉट इनिशिएट बाय इट्सेल्फ। कहीं ना कहीं से तो एनर्जी खींचेंगे, हो सकता है एनवायरनमेंट से खींच के हो जाए। अगर एनवायरनमेंट से नहीं होगा तो फिर आपको हीट अलग से देनी पड़ेगी। कभी कभार कुछ चीज़ें ना आसपास की आसपास के एनवायरनमेंट से टेम्परेचर खींच कर और माहौल, मतलब क्या करेंगे, उस जगह को ठंडा कर देंगे और रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है। पर जिनमें रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता, हाई टेम्परेचर की नीड होती है, तो उसमें आपको हीट अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डज नॉट इनिशिएट बाय इट्सेल्फ, एंड इसलिए डेल्टा एच क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज होता है एक्चुअली, और पॉजिटिव मतलब हीट क्या हुआ है, अब्सॉर्ब, ठीक है, हीट अब्सॉर्ब हुआ है। पॉजिटिव से ये याद रखना कि हीट ऐड किया है, ऐड मतलब पॉजिटिव, और इसमें हीट निकला है यानी सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो नेगेटिव। हालांकि मैं थोड़ा सा बताता हूँ, डेल्टा एच का मतलब होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये नेगेटिव है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा कि ये नेगेटिव कब आ सकता है, जब हीट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, इसको कभी समझाने का वक्त आएगा तो बता दूंगा, पर अभी की क्लास के लिए आपके लिए शायद ये कामयाब नहीं है इतना। आपकी क्लास में आता नहीं है टेंथ में ये सब, आप सिर्फ थोड़ा सा याद रख लो कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है, समझाने को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नोट कर दीजिए। फटाफट नोट करो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। आज की क्लास में हमने करा क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि भाई रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जो रिएक्शन से पहले होता है वो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन के बाद बनता है वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हैज़ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, राइट। उसके बाद आपने ये तो पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या था कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके अलावा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द केमिकल रिएक्शन इज हैपेंड और नॉट, राइट। तो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये डिसाइड करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि हमने बोला एवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो गया, ठीक है, या आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, चलो वो तो एवोल्यूशन ऑफ गैसेज में नहीं, वो आपका क्या हो गया, टेम्परेचर राइज में आ गया। ठीक है, तो टेम्परेचर से पता चल जाता है, गैसेज के एवोल्यूशन से पता चल जाता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन से पता लग जाता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर सम क्राइटेरिया, और उसके अलावा भी एक दो थे। तो ये सब चीज़ें ये डिसाइड करती हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ, या ये पता लगाती हैं आपको, जैसे कलर चेंज भी पता लगाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो इनसे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन का होना या ना होना। ठीक है, तो इस क्लास में इतने, थैंक यू सो मच, और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग करेंगे। बाय बाय।